किसने किया था तापसी पन्नू को मथाइस बो से सावधान रहने के लिए वॉर्न? क्या तापसी को डेट करने के बहाने सचमुच मथाइस बो उन्हें किसी शेख को बेचना चाहते थे इन दुबई? वेल, तापसी ने किया कुछ बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा। तापसी पन्नू अपने लॉन्ग टर्म बो मथाइस के साथ हैप्पीली मैरिड है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब एक्ट्रेस पहली बार मथाइस से मिली थी तो उनके दोस्तों ने उन्हें कॉशियस रहने की वार्निंग दी थी। वेल यस, तापसी को उनके फ्रेंड्स ने मथाइस से वार्न किया था। एक्चुअली तापसी इंडिया में रहती थी और मथाइस डेनमार्क में थे और दोनों पहली बार दुबई में मिले अपनी पहली डेट के लिए। ऐसे में तापसी के दोस्तों को उनकी सेफ्टी की चिंता थी और जिसके कारण उन्होंने तापसी को मथाइस से बच के रहने की सलाह दी। तापसी ने ये इंटरेस्टिंग रेवलेशंस अपने एक रीसेंट इंटरेक्शन के दौरान किया। तापसी पन्नू से पूछा गया कि उन्होंने प्यार के लिए सबसे क्रेजी काम क्या किया है, जिस पर तापसी ने कहा, दैट हैज बीन फॉर द फर्स्ट डेट क्रॉस कॉन्टिनेंट और रादर क्रॉस कंट्री। फर्स्ट डेट व्हेन यू डोंट नो द अदर पर्सन एट ऑल, दैट हैज बीन द क्रेजीएस्ट थिंग आई हैव एवर डन फॉर एनीबॉडी। ही प्रपोज्ड टू मी सेइंग दैट आई वुड लाइक टू टेक यू ऑन अ डेट ईदर इन डेनमार्क और दुबई बिकॉज दीज आर द टू प्लेसेस आई नो वेरी वेल। सो आई सेड हु वुड गो टू डेनमार्क, शेंगेन वीजा, ओ माय गॉड। तापसी ने आगे कहा कि वो खुद इस बात से हैरान थी कि आखिर मथाइस उनमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। उन्होंने मथाइस बो से मिलने का अपना प्लान अपने दोस्तों को बताया, जिसके बाद उनके दोस्तों ने अपना कंसर्न जाहिर किया और कहा कि कहीं मथाइस उन्हें बेच ना दे किसी शेख को दुबई में। तापसी ने बताया, सो माई फ्रेंड्स वर लाइक, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट लेट हिम सेल यू, आई एम नॉट किडिंग, माई फ्रेंड्स एक्चुअली गेव मी, माई बेस्ट फ्रेंड सिस्टर स्टेज इन दुबई, सो शी गेव मी हर नंबर एंड आई डोंट नो इफ ही इज सेलिंग मी टू अ शेक, शी वोंट बी एबल टू स्टॉप द डील, राइट? ही टर्न्ड आउट टू बी अ गुड गाय, दैट्स व्हाई 10 टू 11 इयर्स पास्ट, आई एम श्योर आई वुड स्टिल वॉन्ट टू स्टे विद हिम। यहाँ आपको बता दे, तापसी से मिलने के एक साल बाद ही मथाइस बो ने उन्हें प्रपोज किया था और लगभग 9 सालों से दोनों एंगेज थे। लेकिन इतने सालों बाद भी तापसी और मथाइस का फैसला नहीं बदला और दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर अपने फैंस को सरप्राइज किया।